हेलो दोस्तों, आज मैं जिस एनिमे का रिव्यू देने जा रहा हूँ वो बाकी एनिमे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। एनिमे का नाम है हैक्यू। हैं क्यों? ये एक स्पोर्ट्स एनिमे है और ये अभी कंटिन्यूशन में है। हैक्यू का सीधा सीधा मतलब होता है वॉलीबॉल और ऑब्वियसली पूरा एनिमे भी उसी पर बेस्ड है। एनिमे में टोटल 3 सीजन है जिनमें कुल मिलाकर 60 एपिसोड्स और 3 ओवीएस है। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि 4th सीजन भी इसी साल आ जाएगा, लेकिन उसकी बात फिर कभी। फिलहाल रिव्यू शुरू करते हैं। एनिमे का प्लॉट ये है कि इसका प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम हीनाता है, वो किसी दिन टीवी पर लिटिल जायंट नाम के वॉलीबॉल प्लेयर को एक मैच खेलते हुए देखता है और बस तभी से उसे वॉलीबॉल से बेशुमार प्यार हो जाता है। वो खूब प्रैक्टिस करता है पर बदकिस्मती से उसकी स्कूल की वॉलीबॉल टीम में वो ही इकलौता प्लेयर होता है और इसलिए कभी भी उसे कोई भी रियल मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। अपने मिडिल स्कूल के लास्ट ईयर में पहुंचते किसी तरह वो 6 बंदे इकट्ठा करके एक इंटर स्कूल मैच में खेलने जाता है। वहाँ उसका सामना होता है कागेयामा से, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर होता है और सभी लोग उसे किंग ऑफ द कोर्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ हीनाता की टीम कागेयामा की टीम से बुरी तरह हार जाती है। इसके बाद हीनाता ठान लेता है कि किसी भी तरह कागेयामा से बेटर प्लेयर बन के दिखाएगा, लेकिन हाई स्कूल में पहुंचते उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है क्योंकि जिस स्कूल टीम में हीनाता जाता है उसी स्कूल में कागेयामा भी एडमिशन लेता है। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं लेकिन मजबूरन उन्हें एक ही टीम में खेलना पड़ता है। अब क्या ये दोनों एक ही टीम में खेलकर एक दूसरे के साथ टीम वर्क कर पाएंगे, ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। इस एनिमे को प्रोडक्शन आईजी स्टूडियो में एनिमेट किया गया है, जो वेलकम टू द बॉलरूम, गोस्ट इन द शेल, साइकोपास और कुरोकोनो बास्केट जैसे जाने माने एनिमे को एनिमेट कर चुका है। आर्ट स्टाइल देखकर आपको ये बाकी एनिमे से थोड़ा अलग लगेगा। एनिमेशन की बात करें तो वाकई काबिले तारीफ है। मैचेस के दौरान प्लेयर्स जो टेक्निक्स यूज करते हैं, उनकी स्पीड, उनकी पावर सबको नजर में रखते हुए एनिमेशन बहुत ही बढ़िया की गई है। हैक्यू का एक एक कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। सबके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और सबकी अपनी वीकनेसेस भी है और कुछ लोगों की वो भी नहीं है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप अपने दोस्तों से या खुद से इन सभी में से किसी ना किसी एक कैरेक्टर को जरूर रिलेट कर पाएंगे। वो कैरेक्टर जो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, वो कैरेक्टर जो हमेशा शांत रहता है, वो कैरेक्टर जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। और इन सब के अलावा वो चीज़ जो मुझे इस एनिमे की बहुत ज़्यादा पसंद है वो है टाइमिंग ऑफ शोइंग बैक स्टोरीज ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स हैं तो उनकी बैक स्टोरीज भी होगी, लेकिन हैक्यू में मैचेस की क्रूशियल मोमेंट्स पे जिस तरह इन बैक स्टोरीज को दिखाया गया है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। देखो भाई, स्टोरी की बात करूँ तो वो काफ़ी सिंपल है और कुछ लोग स्टोरी की सिंप्लिसिटी को उसका बेकार होना समझ लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्टोरी सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, उसको किस तरीके से दिखाया जाता है, उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, उसके एक एक सिंपल सीन में कितना डिटेल होता है और अगर स्टोरी रियलिस्टिक है तो उसके एलिमेंट्स रियल लाइफ में पॉसिबल है भी या नहीं। हैक्यू इन सभी बातों पर पूरी तरह खरा उतरता है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप वॉलीबॉल्स के रूल्स नहीं जानते हैं तो आप इस एनिमे को नहीं समझ सकते। राइटर्स ने यहाँ अपना काम बखूबी किया है। सभी रूल्स और सभी टैक्टिक्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है, तो अगर आप वॉलीबॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो ये एनिमे देखकर आप वो सारे डिटेल्स समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर एक ही सेम टैक्टिक से मैच को जीतते या पॉइंट लेते रहते हैं, टैक्टिक्स बदलते रहते हैं और सच में एनिमे में आपको चौंका देने वाले अलग अलग टैक्टिक्स की कोई कमी नहीं मिलेगी। फाइनल्स जीतने वाली टीम तो हम सभी ने देखी है, उनकी सक्सेस की खुशी से भी हम पूरी तरह वाकिफ हैं, लेकिन हैक्यू में आपको फेलियर्स पर भी पूरा फोकस देखने को मिलेगा कि किस तरह एक मैच हारने के बाद टीममेट्स इमोशनली टूट जाते हैं और उन फेलियर्स से उभरने में उन्हें कितने एफर्ट और टाइम की जरूरत पड़ती है। एनिमे में म्यूजिक का यूज ठीक ठाक है, ओपनिंग और एंडिंग्स काफी कैची और एनर्जेटिक है और एनिमे का साउंड ट्रैक सीन्स को एक अच्छा टच देता है, लेकिन मेरे ख्याल से म्यूजिक में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप खुद यूट्यूब पर सर्च कर दोबारा सुनना पसंद करें। अगर आप ये शो देखते हैं तो आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। सोचने पर तो लगता है कि अरे वॉलीबॉल ही तो है, बस बॉल एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाती रहती है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ओलंपिक्स में जब हम इस गेम को देखते हैं तो टीवी पर देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक ही चीज़ बार बार हुए जा रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता और असल में जो होता है वो सब आपको हैक्यू देखकर पता चल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एनिमे को देखने के बाद आपका वॉलीबॉल में इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और बढ़ना भी चाहिए। आखिर कब तक आप लोग एक्शन में ही घुसे रहेंगे, लाइफ में कुछ चेंज भी होना चाहिए और हैक्यू से ज्यादा पंप अप शायद ही आपको कोई और एनिमे करे। ड्रैगन बॉल जी नारुतो एक तरफ है, लेकिन इसका रियलिस्टिक होना इसका सबसे ज्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है और इसीलिए आप लोग इस एनिमे से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो थम्स अप, बुरा लगा तो थम्स डाउन, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और हमारे कंटेंट को लगातार देखते रहने के लिए हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।